हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं। मेरी दोनों नंदे आई हैं, अभी वो नीचे हैं। वो एक जो हैं बाहर रहती हैं एंड एक जो लोकल है, उनसे मैं आपको काफ़ी बार मिला चुकी हूँ, बट जो बाहर रहती हैं वो आई हुई हैं चित्तौड़ से। एंड आज वो अपने हाथ का स्पेशल बनाएंगी दाल बाटी। तो मैंने कुछ भी डिनर प्रिपेयर नहीं किया है, मैं बस उनके लिए स्नैक्स लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ एंड आप लोगों से भी शेयर करूँगी। अभी उनके बच्चे, अभी थोड़े बच्चे आ गए, एक आध बच्चे आ गया और एक आध रह गया है। दादा दादी भी आ गए हैं शौर्य के, तो काफ़ी सारे लोग हो जाएंगे। आज फैमिली टाइम स्पेंड होगा। आई होप ये ब्लॉग अच्छा सा बने, मैं काफ़ी कुछ इसमें शेयर कर पाऊँ। तो देखते रहिएगा इस ब्लॉग को एंड तक। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, मुझे नगेट्स वगैरह फ्राई करने हैं एंड सोया कबाब्स लाई थी क्योंकि आज है मंडे तो कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, तो इस वजह से मैं सारी वेजिटेरियन चीज़ें फ्राई करूँगी। ये है सारा स्नैक्स जो मैं उन लोगों को अभी सर्व करूँगी। ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड उसके साथ बिस्किट, नमकीन एंड चिप्स, क्योंकि बच्चे भी हैं तो उस हिसाब से मैंने स्नैक्स लगाए हैं। एंड वो अभी नीचे गई हुई हैं मम्मी पापा के पास कुछ काम से, फिर वो ऊपर आ जाएंगी। तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। इधर ये वेज फिंगर्स हैं एंड वो सोया कबाब्स हैं। सावन का महीना चल रहा था एंड दूसरा उनका व्रत भी था, तो इस वजह से मैं वेज कबाब ही बना रही हूँ। रिफाइंड गर्म हो रहा है। इधर मैं सॉस चटनी मैंने निकाल के रख दी है, कोल्ड ड्रिंक भी मुझे सर्व करनी है। ये मैंने इस तरह से अपने फेस को कवर कर रखा है सो दैट मेरे फेस पे कोई छींटा ना पड़े, सो डोंट माइंड माय लुक। ये हैं मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज। ये येलो टी शर्ट में है मेरी बड़ी वाली नंद एंड उधर पिंक टी शर्ट में जो है वो मेरी छोटी नंद है। वो जो है छोटी वाली नंद यही लोकल आगरा में रहती हैं एंड दूसरी वाली जो बड़ी हैं वो चित्तौड़गढ़ रहती हैं। तो आज वो अपने हाथ का स्पेशल दाल बाटी हमें बनाकर खिलाएंगी, तो बस उसी के काम के लिए वो थोड़ा नीचे गई थी एंड अब वो सब लोग स्नैक्स इन्जॉय कर रहे हैं। मैं ये रेडीमेड फ्राइज लेके आई थी तो मैंने उन्हें ही इमीडिएटली सर्व कर दिया था एंड उन लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, तो वो लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम वो भी उन्हें लेके आएंगे एंड डेफिनेटली ट्राई करेंगे। क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, बहुत नॉटी हो गए हो आप। ये जो है अभी हम लोग नीचे बैठ के बाटियाँ बना रहे हैं। हम काफ़ी सारी बाटियाँ बनाएंगे क्योंकि ये खाएंगे भी एंड थोड़ी बहुत लेकर भी जाएंगे बच्चों के लिए, जो लोग घर पे रह गए उनके लिए। तो इधर किचन में मेरी बड़ी वाली नंद इन्हें बना रही है। हमारे पास ये पर्टिकुलरली बाटी मेकर है जो मेरी सास चित्तौड़ से लेके आई थी लास्ट ईयर। एंड इधर इस भगोने में पानी उबाल दिया है जिसमें भापले बनेंगे। इधर ये दाल का छोक तैयार हो गया है एंड थोड़ी सी बाटियाँ भी फ्राई हो गई हैं, तो बस ये उन्हीं को टर्न कर रही हैं, दोनों तरफ से चेक कर रही हैं। नाउ इट्स टाइम टू ईट। ये अभी बाकी बच्चे लोग भी आ चुके हैं, तो बस अभी हम उन लोगों से बातें बना रहे हैं एंड फिर उनसे कह रहे हैं कि चलो अब खाना भी खा लो, तो बस अब खाना लगा देंगे। एंड ये बहुत ही इजी लंच है जिसमें हमने पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी, तो बस हमें गर्मा गर्म दाल सर्व करनी है। एंड ये घी में ऑलरेडी डिप की हुई बाटियाँ हैं एंड बच्चों की ये पर्टिकुलर चॉइस थी इसलिए ये बनाए गए, तो दे आर इन्जॉइंग देयर फूड। मिठू आप क्या कर रहे हो, कहाँ क्या हुआ, क्या आपको सो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ ऊपर एंड मैंने शौर्य को सुला दिया है, यू कैन सी दिस, अब वो सो गया है। बहुत खेला है वो नीचे अपनी बुआ के साथ, दादू के साथ एंड काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम रहता है, अगर बच्चों को कोई आ जाता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरा ट्राईपॉड की सेटिंग बहुत गड़बड़ कर दी है इन्होंने, ये ऊपर ही खेल रहा था, मैं नीचे चली गई थी थोड़ा हेल्प कर रही थी। दाल बाटी बनाई थी बहुत ही यम्मी थी, बट उन्होंने इतना उसमें घी में डिप कर दी थी तो मुझसे ज़्यादा खाई भी नहीं गई।
मैंने एक या डेढ़ ही खाई, बट इट वॉज़ वेरी नाइस। एंड अभी भी वो लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो मैं भी जाऊँगी। शौर्य को सुला दिया है, तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर जाऊँगी, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत चक्कर लग गए मेरे एंड मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। क्योंकि हर चीज़ नीचे अवेलेबल नहीं होती है, तो मुझे कुछ ऊपर कोई बर्तन कभी कुछ मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़े, तो काफ़ी टायरिंग दिन रहा है। बट खाना सब ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, एंड सुबह मैंने लंच बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, तो वो भी बचा रखा है। एंड इधर दाल बाटी बनी है, वो भी बचा रखा है। रात की भी थोड़ी सी सब्जी बनी रखी है, और मेड को मैंने शाम को ही बुला लिया था आज। मेड मतलब मैंने, वैसे वो शाम को नहीं बुलाती हूँ, बट आज काम था तो मैंने उसे बुला लिया। वो नीचे के भी बर्तन कर गई, एंड ऊपर जो थोड़े बहुत मैंने स्नैक्स बनाए थे उसके बर्तन थे वो कर। सो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई, हम बातें वगैरह में बिजी हो गए थे। एंड हर समय शूट करते रहो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। आई हैव आस्क्ड देम, दे वर कंफर्टेबल, बट मुझे भी अजीब थोड़ा सा लग रहा था कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली है, मैं उस पर वॉइस ओवर कर दूंगी, बट मैंने पर्टिकुलरली कुछ नरेशन नहीं किया है। एंड अभी वो नीचे मम्मी पापा के पास बैठे हुए हैं, बच्चे आए थे, वो खाना पीना खा के चले भी गए हैं, क्योंकि आज है कैलाश मेला। एंड यहाँ बहुत बहुत जाम लग रहा है, बहुत ही मुश्किलों से आना जाना हो पा रहा है। एंड मेरा को नहीं लगता मैं जा पाऊँगी, बट मैं अपने हस्बैंड से एक बार कहूँगी ज़रूर कि शाम को घुमा लो, क्योंकि सिकंदरा में ही लग रहा है। बट लेट्स सी, वो घुमाते हैं तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स शेयर कर दूँगी आपके साथ, चाहे तो अलग से कर दूँगी, चाहे इसी में इंक्लूड कर दूँगी। तो यही था आज का व्लॉग, एंड अगर आपको अच्छा लगे ये फैमिली मीट एंड ग्रीट का, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।